अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। आज ही संडे मॉर्निंग और हम जा रहे हैं आगा खान पैलेस, जो हिस्टोरिकल प्लेस है। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, हम आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं आगा खान पैलेस में, और ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस के बिल्कुल ही पास यहाँ पर बुकिंग काउंटर है, यहाँ पर से हमें टिकट निकालना है अंदर जाने के लिए। तो अभी मैं टिकट निकाल के आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर जो है टिकट जो है वो फिज़िकली नहीं होती है, ऑनलाइन पे ही करना पड़ता है। यहाँ पर स्कैनर है तो उसके थ्रू हमें ऑनलाइन टिकट निकालनी होती है। यहाँ पर जो विज़िटर्स के लिए टाइम है तो वो है 9 o'clock मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 5:30 तक ही आप आ सकते हो विज़िट के लिए। यहाँ पर अभी हमने टिकट निकाल कर अंदर आ गए हैं। ये अंदर का व्यू है। यहाँ पर बहुत से स्कूल के पिकनिक्स और विज़िटर्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। यहाँ पर ये गार्डन है बना हुआ, और इसी के राइट साइड में आगा खान पैलेस का वे है। ये रहा आगा खान पैलेस, जो बाहर से ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ब्यूटी लग रहा है ना। अभी हम मॉर्निंग में आए हैं इसलिए ज़्यादा रश तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आफ्टरनून में आते हैं तो ज़्यादा रश दिख जाएगा यहाँ पर। और ये है माशाल्लाह हमारे हस्बैंड और हमारे बेबी का हान, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, आप सब देख सकते होंगे। चलो अभी अंदर जाएंगे, अंदर का जो अंदर का भी व्यू हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ये है यहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल डिटेल्स है ये सारी लिखी हुई है यहाँ पर, ये बोर्ड में आगा खान पैलेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इसमें मेंशन है। ये है एंट्रेंस पैलेस का, यहाँ पर से अभी हम अंदर जा सकते हैं। अभी हम आपको अंदर जाकर बताते हैं। ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। ये है महात्मा गांधी म्यूज़ियम आगा खान पैलेस। यहाँ पर 6 गैलरीज है। ये है फर्स्ट गैलरी, यहाँ पर सारी जो महात्मा गांधी जी की जो भी हिस्ट्री थी वो यहाँ पर मेंशन है, वर्ल्ड वॉर। ये प्लेस में 9 अगस्त 1942 टू 6 मई 1944 तक गांधी जी, हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी, सेक्रेटरी महादेव देसाई एंड सरोजनी नायडू कैद थे। यहाँ पर जितना भी हिस्ट्री था गांधी जी के बारे में वो यहाँ पर मेंशन है, ये फर्स्ट गैलरी में। और ये है उनका स्टैचू,
बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है ये पैलेस को। यहाँ पर मोस्टली जो स्कूल के पिकनिक्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो भी है बताने के लिए स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर फॉरेनर विजिटर्स भी आते हैं ये सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए। ये है सेकंड गैलरी, ये महादेव देसाई का स्टैचू बना हुआ है जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे। सुल्तान मोहम्मद शाह हैड एम्प्लॉयड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू बिल्ड दिस पैलेस बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये पैलेस का टोटल एरिया है 13 एकड़, जिसमें से 7 एकड़ का इन्होंने महल बनाया हुआ है और बाकी का जो है वेल मेंटेन गार्डन है। यहाँ पर अभी हम थर्ड गैलरी में आए हैं। इस कमरे में सरोजनी नायडू को कैद किया गया था 9 अगस्त 1942 से 21 मार्च 1943 तक, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको यहाँ पर से रिलीज कर दिया गया। ये है फोर्थ गैलरी, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं विजिट करने के लिए हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए। यहाँ पर यह है फिफ्थ गैलरी, और यहाँ पर ये सारी गांधी जी की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर जो उनकी पर्सनल चीज़ें थी तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है फिफ्थ गैलरी में, तो यहाँ पर मैं बाहर से ही वीडियो ले रही हुई है। यहाँ पर ये है सिक्स गैलरी, टोटल यहाँ पर जो गैलरीज है वो 6 गैलरीज है। तो अभी ये हम यहाँ पर आ गए 6 गैलरी में। ये जो कमरा है डेडिकेट किया है कस्तूरबा गांधी जी को, उनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर मेंशन है, और उनके बारे में एक वीडियो प्ले हो रहा था जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। A tranquil
पर ये लोग कॉलेज से आए हैं, इनका एक्चुअल में प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये लोग सारी चीज़ें देख के प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर से अभी वे है सरोजनी लाइब्रेरी का, अभी हम उसके तरफ ही जा रहे हैं। ये है सरोजनी लाइब्रेरी का बोर्ड, ये रास्ता जाता है महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा बाई और महादेव देसाई की समाधि की ओर। ऐसे प्लेसेस पे किड्स को लेकर आना चाहिए, बिकॉज़ उनको भी पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री जो भी थी, तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद में उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बच्चे लोगों को लेकर ही आना चाहिए। ये है समाधि, ये कस्तूरबा गांधी जी का है, महात्मा गांधी की वाइफ का, और ये उनका पीओ का, महादेव देसाई का, ये दोनों का मेन समाधि है यहाँ पर, और okay. वो महात्मा गांधी का अस्थि है, मेन समाधि राजघाट दिल्ली में। ओके तो ये काफ़ी अच्छी प्लेस है हिस्टोरिकल की, और यहाँ पर आने के बाद में हमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है ये सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर ये सारे लोग जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होंगे हमारे साथ में इस वीडियो को। अगर आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।